दर्शकों नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। दोस्तों गर्मी का मौसम चालू हो गया है और गर्मी के मौसम में एक सबसे बड़ी बीमारी हम लोगों के सामने आती है और बीमारी है पीलिया की। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पीलिया क्या होती है, पीलिया को कैसे दूर कर सकते हैं और पीलिया किसे कहते हैं, पीलिया का मुख्य कारण क्या है। वैसे पीलिया एक ऐसी अवस्था को कहते हैं जब मरीज के त्वचा और आँख का सफ़ेद हिस्सा पीला पड़ने लगता है। मानव शरीर में किसी कारणवश या एक विशेष प्रकार के वायरस के संक्रमण से रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए और शरीर का रंग पीला पड़ जाए तो उसे पीलिया रोग कहते हैं। खून में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह एक बीमारी या परिस्थिति का लक्षण है जिसमें तत्काल चिकित्सीय मदद लेने की जरूरत पड़ती है और इसमें लापरवाही हो जाए तो बहुत ही खतरनाक बीमारी बन जाती है। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी बन जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पीलिया रोग कैसे होता है, इसको रोकथाम का उपाय क्या है, कैसे पीलिया से बचा जा सकता है और हम अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं कि पीलिया का असर हम तक ना हो पाए। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट को। बिलिरुबिन एक पीले रंग का पदार्थ है जो खून में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं के 120 दिन के साइकिल के पूरे होने पर टूटने से बनता है। बिलिरुबिन में बिली होता है जो लीवर में बनने वाला पाचक तरल पदार्थ होता है और यह गाल ब्लेडर में रहता है। यह भोजन के अवशोषण और मल के उत्सर्जन में मदद करता है। जब बिलिरुबिन किसी कारण से बिली के साथ मिश्रित नहीं बना पाता तो यह लाल रक्त कणिकाओं सामान्य से कम अवधि में टूटने लगती है और खून में बिलिरुबिन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। यह अन्य अंगों में पहुंचकर उनमें भी पीलापन पैदा कर सकता है। इस रोग में बिलिरुबिन का खून से लीवर और लीवर से आंतों की ओर होने वाला प्रवाह प्रभावित होता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन शरीर में ठीक से निकल नहीं पाता और रक्त और त्वचा के नीचे जमा हो जाता है। पीलिया इस तरह कई बीमारियों की वजह बन जाता है। मलेरिया, स्कल सेल एनेमिया, थैलेसीलिया जैसे रोग बिलिरुबिन के निर्माण की गति पर तेज कर देते हैं, जबकि हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लीवर की बीमारी, ग्रंथियों का बुखार, लीवर का कैंसर और यहाँ तक कि अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से बिलिरुबिन को प्रोसेस करने की लीवर की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा अन्य परिस्थितियां जैसा कि गाल स्टोन्स और पैनक्रियास्टिस शरीर में बिलिरुबिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है। पीलिया तीन प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। पीलिया रोग फैलने के मुख्य कारण विषाणु जनित ब्रकित शोध पीलिया या वायरल हेपाटाइटिस, यह एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है जो इस रोग से पीड़ित रोगों के मल के संपर्क में आए दूषित जल, कच्ची सब्जियां आदि से फैलता है। कई लोग इससे ग्रस्त नहीं होते, उनके मल में इससे वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं, पेट से या लीवर में और यहां से सारे शरीर में फैल जाता है। रोगी की लगाई हुई सुई का अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बिना उबले प्रयोग करने से वह रोगी का खून अन्य स्वस्थ व्यक्ति के चमड़े से भी यह रोग फैलता है। इसके अतिरिक्त शरीर में एसिड की वृद्धि, बहुत अधिक दिनों तक मलेरिया रहना, पित्त नली में पथरी अटकना, अधिक मेहनत, ज्यादा शराब पीना, अधिक नमक और तीखे पदार्थों का सेवन, दिन में ज्यादा सोना, खून में रक्त कणों की कमी होना आदि कारणों से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति वायरस निरोग मनुष्य में शरीर के प्रत्यक्ष रूप में अंगुलियों से और अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के मल से या मक्खियों द्वारा पहुंच जाते हैं। इससे स्वास्थ्य मनुष्य की रोग ग्रस्त हो जाते हैं। लीवर कमजोर हो जाने से, ज्यादा शराब पीने से, शरीर में खून की कमी हो जाने से, दूषित भोजन का सेवन करने से, दूषित पानी पीने के से और मलेरिया और हेपेटाइटिस जैसे रोग भी पीलिया का कारण हो सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि पीलिया रोग के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं। अक्सर फ्लू जैसे लक्षण विकसित होते हैं और मरीज को ठंड लगने के साथ ही उसके बिना बुखार चढ़ने लगता है, पतली खाने, विरीत, भूख कम लगना,
बिलिरुबिन के स्तर खून में बढ़ने से त्वचा, नाखून और आंख का सफेद हिस्सा तेजी से पीला होने लगता है। पेट में दर्द उठना, कभी कभी मरोड़ उठना, वजन घटना, गहरा पीला पेशाब होना, लगातार थकान महसूस होना, मल का रंग फीका या सफेद हो जाना, गाढ़े लाल रंग का मूत्र आना, जी मिचलना और आमाशय में सूजन होना, वजन कम होना, पेट दर्द होना और भूख कम हो जाना, दाहिनी पीलियों के नीचे दर्द होना, बुखार आना, कमजोरी महसूस होना और जल्दी थक जाना, इसके लिए होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा का नाम है चिलिडोनियम बेसज, पीलिया रोग की एकमात्र दवा है। चलिए इसके बाद हम आपके बताते हैं कि आप कैसे घरेलू उपायों द्वारा पीलिया रोग से बच सकते हैं। तो इसके लिए दवा कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर पीलिया का उपचार किया जा सकता है, जिसमें से है टमाटर का रस। एक गिलास टमाटर के रस में काली मिर्च और एक चुटकी नमक मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। मूली की पत्तियों के रस का नियमित रूप से सेवन करें। लगभग 2 गिलास मूली के पत्तों का रस रोज पिएं। 1 गिलास गन्ने के रस में 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर नियमित रूप से दिन में 2 बार सेवन करें। गोभी और गाजर का रस निकालकर 1 गिलास में बराबर मात्रा में मिला लें। कुछ दिनों तक रोग 1 गिलास रस का सेवन करें। प्याज को छीलकर पतले हिस्सों में बांट लें। इसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ें, फिर काली मिर्च और सेंधा नमक छिड़क लें। इस तरह से आप प्याज का दिन में 2 बार सेवन करें। नीम के पत्तों को धोकर साफ कर लें और उनका रस निकाल लें। दिन में 2 से 3 बार इस रस का 1 चम्मच सेवन करें। बादाम की 8 से 10 गिरी, 4 से 5 इलायची और 2 से 3 चुहारों को रात को पानी में भिगोकर रख लें। सुबह बादाम के छिलके निकालकर उसको पीस लें और पेस्ट बना लें। इसमें थोड़ा सा मक्खन और चीनी मिलाकर खाएं। आयुर्वेद में भी पीलिया का इलाज संभव है। गिलोय या बुचोई, जिसे औषधि भारत, श्रीलंका और म्यांमार में पाई जाती है, इस पौधे की डंठल का पाउडर बनाया जाता है, जिसे गुड़ुची सत्व कहा जाता है। अनेस्थेलिया इंडियन जर्मन में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि पीलिया से पीड़ित लोगों के इलाज में दिन में 16 मिलीग्राम गुचुड़ी शामिल किया गया, जिसमें मृत्यु दर 61.5% से कम होकर 25% हो गई, जबकि इसके इलाज में इसे शामिल नहीं किया गया था। 39% से 6.2% हुई। इसके अलावा गुड़ची लेने वाले पीड़ितों को बुखार में भी सुधार हुआ और मतली भी कम हुई। इस पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लिया जाता है। कुटकी, यह एक 12-मासी जड़ी बूटी है जो भारत के शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। इस जड़ी बूटी का पीलिया सहित लीवर की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसमें पिक्रोलीव तत्व पाया जाता है, जिसका एंटी कोलेस्टेटिक प्रभाव पड़ता है और यह ब्लॉक्ड डिस्क सिस्टम को ओपन करने में सहायक होता है, जिस वजह से पित्त खून में जमा नहीं हो पाता। इसके पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लिया जाता है। वहीं वस का, यह एक सदाबहार झाड़ी हिमालय में पाई जाती है। इसका इस्तेमाल पीलिया सहित ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के रोग में इलाज के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, अगर आप किसी अन्य दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको इसे लेने से बचना चाहिए। इसके पत्तों का पीलिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का 2 औस रस, मुलेठी की छाल का पाउडर, इतनी मात्रा में चीनी और 1/2 चम्मच शहद मिलाकर खाने से लाभ मिलता है। वहीं कुमारी असौ, यह दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और त्रिफला सहित 20 से अधिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और शहद के गुण वाला मिश्रण होता है। यह श्वेत प्रदर व लिकोरिया के लिए बहुत प्रभावी होता है। इसके अलावा इससे पित्त की नली की रुकावट को दूर करने और लीवर और पित्ताशय में कामकाज को सुधार करने में मदद मिलती है। इनकी दिन में 2 बार और 6 चम्मच लेनी चाहिए। आरोग्य वर्धनी वटी, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल पीलिया, फैटी लीवर सिंड्रोम, वायरल हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के इलाज में किया जाता है। दिल्ली स्थित एम्स के शोधकर्ताओं के अनुसार इसका दिमाग, लीवर और किडनी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसे दिन में 2 बार 250 ग्राम तक लेना बहुत जरूरी होता है। पीलिया में फिटकरी और मूली के पत्तों का रस भी आप ले सकते हैं। पीलिया में फिटकरी और मूली के पत्तों का रस बहुत उपयोगी होता है। चलिए जानते हैं कि फिटकरी, यानी फिटकरी गुलाबी अथवा फूली हुई पीसकर 1 से 8 मतलब कि 1.5 मिलीग्राम या 1/2 चम्मच 2 से 4 रत्ती की मात्रा में
गाय की छाछ या दही की 7 दिन में 3 बार पिलाने से पीलिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। आवश्यकता अनुसार 3 से 8 दिन तक आप इसे दें। मूली के पत्तों और टहलियों का रस 50 ग्राम से 10 ग्राम मिश्रे मिलाकर प्रातः खाली पेट पीने से सब पीलिया में लाभ मिलता है और इससे 1 सप्ताह के भीतर पीलिया रोग दूर हो जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर भी इसे खुलकर प्रयोग करते हैं। औषधि पर्याप्त लंबे समय तक प्रयोग के पश्चात भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाती। हम चले जानते हैं कि पीलिया के रोकथाम और बचाव के कारण पीलिया रोग के प्रकोप से बचने के लिए कुछ साधारण बातों का ध्यान रखना होगा। खाना बनाने, परोसने, खाना खाने से पहले व बाद में, शौच जाने के बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। भोजन जालीदार अलमारी या ढक्कन से ढककर रखना चाहिए ताकि मधुमक्खियां या धूल से बचा जा सके। ताजा व शुद्ध गर्म भोजन करें, दूध व पानी उबालकर काम से पी लें। पीने के लिए पानी नल, हैंडपंप या आदर्श कुओं का ही काम में लें तथा मलमूत्र, कूड़ा, करकट सही स्थान पर गड्ढा खोदकर दबाना या जला देना चाहिए। गंदे, सड़े गले व कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। धूल पड़ी या मक्खियां बैठी मिठाइयों का सेवन बिल्कुल ना करें। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। यदि शौचालय में शौच नहीं जाकर बाहर ही जाना पड़े तो आवासीय बस्ती से दूर ही जाएं तथा शौच के बाद मिट्टी डाल दें। रोगी बच्चों को डॉक्टर जब तक यह ना बता दे कि रोग मुक्त हो चुके हैं स्कूल या बाहर ही ना जाने दें। इंजेक्शन लगाते समय सिरिंज या सुई को 20 मिनट तक उबालकर काम में ले, अन्यथा ये रोग फैलने में सहायक हो सकता है। रक्त देने वाले व्यक्तियों की पूरी तरह जांच करवानी चाहिए, इससे पीलिया रोग के रोगवाहक का पता लग जाता है। अनजान व्यक्ति में यौन संपर्क से भी यह पीलिया हो सकती है। बाहर का खाना ना खाएं, शराब ना पिए से लीवर कमजोर होता है। साफ और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। अधिक तेल, घी और मिर्च मसाले वाले भोजन का सेवन करें। गर्म मसालेदार ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए। केक, पेस्ट्री, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन कम करना चाहिए। शराब बिल्कुल ना पिए। धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहें। अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी पीलिया से बच सकते हैं और जिस प्रकार से गर्मियों में पीलिया बढ़ रही है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। दर्शकों, अब आप भी समझ गए होंगे कि पीलिया बीमारी कहीं से उड़कर नहीं आती, इसको हम लोग ही बुलावा देते हैं। हमारे वजह से ही पीलिया आती है, हमारे गलतियों का ये नतीजा है और खामियाजा हमें और आपको भुगतना पड़ता है। तो यदि आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, पीलिया से बचना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। और यदि आपके आसपास कोई भी पीलिया से ग्रसित है तो आप उनको रोकथाम और उपाय बताएं जो हमारे प्रोग्राम में आपको बताया गया है। यकीनन फायदा मिलेगा और जो कोई भी पीलिया का शिकार होगा वो स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं और आशा करता हूं कि हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे किसी दूसरी स्वास्थ्य वर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।